ये खुशहालपुर क्षेत्र है मधोला थाने का, वहाँ की घटना है। जो अभी तक की जानकारी है उसमें ये बात पता चली है कि पारिवारिक विवाद है संपत्ति को लेकर के। हिमांशु नाम का लड़का और उसकी पत्नी, ये दोनों उसी मकान में रहते हैं और उसी मकान में उसकी चाची रहती है। ये जो मारने वाले सुधीर, जिसके हाथ में तमंचा दिख रहा है, ये चाची की तरफ से है, जो हिमांशु की चाची है, और दूसरी तरफ हिमांशु और उसकी पत्नी। वीडियो मैंने देखी है, वीडियो फुटेज के आधार पर उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है, मेडिकल के आधार पर, और जो उसके हाथ में तमंचा दिख रहा है, सभी चीजों को आधार बनाकर बहुत ही प्रभावी और अच्छी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी जो है कानून सम्बद्ध कार्रवाई है वो अमल में लाएगी। माना जाए इनका पुराना कोई जमीनी विवाद, पुराना जमीनी विवाद नहीं, वो संपत्ति को लेकर के ही विवाद है, मकान को लेकर के ही। ठीक है, थैंक यू।